दीक्षा जो ये भाव में मिले के ना मिले, लेकिन इनको देख करके कम से कम हृदय के अंदर एक भाव तो जगाए कि प्रभु आज हमारे में वो सत्व और साहस खड़ा नहीं हुआ, आज हमारे में इनके जैसे कष्ट सहने की ताकत खड़ी नहीं हुई, लेकिन जो प्रभु आपकी करुणा बरसी तो कदाच भव में, भविष्य में या आने वाले भव के अंदर कभी ना कभी तो मुझे यह दीक्षा लेनी है ना, एक बार साथ में मारे तो कि मारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा, मारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा। संयम ना भावनी करो ने परीक्षा, संयम ना भावनी करो ने परीक्षा, संयम ना वेशनी करूं प्रतीक्षा, संयम ना वेशनी करे तू प्रतीक्षा। नेम 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 रस, नेम 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 रस, नेम 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 रस, नेम 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 रस। મારો પ્રેમ છે સોંપ્યું તને આજીવન, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણ મોહાયું છે મારું મન, પ્રેમ તું મારો પ્રેમ છે સોંપ્યું તને આજીવન, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણ મોહાયું છે મારું મન। ગિરનારી બ્રહ્મચારી જાઉં તુજ પર હું ઓવારી, મોકીનો વેશ ધારી રાજી મતી બનો તારી, પ્રભુ ને મનો ગિરી હે મનો મારે બનવું છે વારસ, સતવાર છે એક મારો આધાર છે એક બસ, મારે તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા। वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट्स देखा जा रहा है अभी टीवी पर? आजी आईपीएल पिच के ऊपर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों साथ में खेल रहे हैं, आईपीएल में नहीं वनडे मैच में, क्योंकि आईपीएल में तो दोनों अलग अलग टीम में। और जो विराट कोहली आउट होकर के चला जाए, आउट होकर के कहां जाएगा? पेविलियन के अंदर, पेविलियन के अंदर जहां पर सोफा सेट है, एसी है, मन चाहा खाना वहां पर उनको पुरसा जा रहा है, लोग वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं। पिच के ऊपर रोहित शर्मा एक एक रन के लिए दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, 90, 92, 94, 98, 99 रन पर है। दोनों में से सुखी कौन? हाँ जी कौन? क्रिकेट तो सबको समझ में आता है, रोहित शर्मा बराबर पिच पर है, 99 पहुंच गया है, बस एक रन दूर है अपनी सेंचुरी से। लेकिन एक बार ऐसा विचार नहीं आया कि जो पिच पर है वो पसीना बहा रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, एक एक रन के लिए लगातार दौड़ रहा है, वो सुखी कैसे? जो पेविलियन में बैठा है वहां एसी है, पंखा है, सेवा करने वाले लोग है, खाना है, पीना है, वो दुखी कैसे?
हम सब पेविलियन में बैठे हैं, ये कल सुबह पिच पर उतरने की पूरी तैयारी के साथ में जा रहे हैं, गोचरी लेने के लिए गरम गरम धूप के अंदर भी ये चलेंगे, चार चार छः छः आठ आठ माले तपेंगे, अपनी सभी आराधनाएं करेंगे, पापों को तोड़ने के लिए एक एक रन आराधना का इकट्ठा करेंगे। अब आपको लगता है कि संयम जीवन में कष्ट है और संसार में आनंद है? अगर वहां पर रोहित शर्मा सुखी है तो ये मानना पड़ेगा कि कल से ये मुमुक्षु सुखी है, हम संसार में दुखी है। मानते हो? जो पिच पर उतरने की इनकी तैयारी है, सेंचुरी बनाने के लिए ये तत्पर है, उस पिच पर उतरने के लिए तो हमने खुद को तैयार भी नहीं किया है। इनके पास में सब कुछ है, वो सब छोड़ रहे हैं। हम जिन चीजों के पीछे पागल बने हैं वो सब इनके पास है। इनके पास में पैसा, रूप और जवानी है, इनके पास में फैसिलिटीज से भरी जिंदगानी है, इनके पास में सुख सुविधाएं भी सयानी है। आज इन दोनों की बात तुम्हें बतानी है। श्रृंगार के जमाने में इनको बनना है अणगार, जो अति प्रिय है बहनों को, कल से ये छोड़ने वाली है उन गहनों को। इनके पास सुख सुविधा भी लाख है, फिर भी हीना बहन और रिया बहन ने माना उसको राख है। नई फिसली, नई फिसली ये दुनिया के जग जग में, क्योंकि इनके वैराग्य भाव बसा है इनके रग रग में। कल ये बनने वाली है वंशज आर्या चंदनबाला की, ये बनेगी प्रतिनिधि प्रभु वीर के पाठशाला की, ये बनेगी लकड़िया जिन शासन के ज्वाला की, और ये बनेगी मोती महावीर के माला की। क्योंकि कल से आप नवकार गिनोगे, उसमें पांचवा पद आएगा, नमो लोए सव्व साहू नाम, और उसी के साथ में आप जहां से भी बोल रहे हो वहां से इन दोनों को भी वंदन होगा। ये बनने वाली है मोती महावीर के माला की, क्योंकि चंदन बाला का वेश इन्हें सुहाता है, मृगावती का सफेद पोशाक इन्हें लुभाता है। इनको लगी वैराग्य की ला इलाज बीमारी है, सुख सुविधाओं भरी जिंदगी इन्होंने नहीं स्वीकारी है, इन्होंने तो चुनी बस उपाश्रय की चार दीवारी है, उपाश्रय की चार दीवारी है। जब घर पे पहली बार बात रखी होगी ना, तब पहली बार में तो हर माता पिता ने विरोध करके कहा होगा कि पहले इसकी परीक्षा लो, बाद में जाने को मिलेगा। तब ये मुमुक्षु ने कहा कि करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं मुक्ति की उड़ान हूं। पापा करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं आंधी हूं तूफान हूं। करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं रजो हरण तरफ रुझान हूं। करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं बड़ी हूं अब मैं समझदार सुझान हूं। करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं बेबाक जुबान हूं। करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं जिन शासन की गुमान हूं। करो नहीं तुम कैद मुझे, मैं दीक्षा ले कर्मों का कत्ल करूंगी, कीचड़ में कमल करूंगी, मैं मन को सरल करूंगी और अपने जीवन को सफल करूंगी। क्योंकि आज जहां पर कहीं पर धंधे की धमाल है, कहीं पर धन की धमाल है, कहीं पर धान्य की धमाल है, तो कहीं पर धरती के टुकड़े की धमाल है, जहां चारों ओर धमाल ही धमाल है, ऐसे समय में आपकी बेटी जो करने जा रही वो इन सब के लिए एक मिसाल ही मिसाल है, एक मिसाल ही मिसाल है। क्योंकि जिसके पीछे हम सब पागल बने हैं, ये माता पिता ने वो सब कुछ इनको दिया, वो सब इनके पास है। इनके पास में है शिक्षा, जानने को मिला एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स किया है उन्होंने, एचएससी किया है। इनके पास में है शिक्षा, फिर भी ले रहे हैं दीक्षा। इनके पास में है कंचन कामिनी और कीर्ति, फिर भी ले रहे हैं वृत्ति। इनके पास में है घर बार परिवार और कार, फिर भी बनने जा रही है अणगार। क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आज भले ही हम वेल ड्रेस्ड है, लेकिन सच में अपने आप से पूछना, कहीं ना कहीं हम अंदर से स्ट्रेस्ड है। आज हमारी लाइफ कहीं ना कहीं मेस्ड है। हर एक व्यक्ति आज अंदर से डिप्रेस्ड है। धनवान होने का हमारे सर पर है लेबल,
लेकिन हर व्यक्ति आज है अंदर से मेंटली अनस्टेबल। आज हमारे पास में बंगले तो आलीशान है, लेकिन घर का हर व्यक्ति दिखता हमको परेशान है। और कल ये जहां जाने वाले हैं, हीना बेन और रिया बेन, संयम में न तो राज घराना है, न तो राज खजाना है, ना तो राजमहल है, ना तो ताजमहल है, ना तो सोशल मीडिया है, ना वो ट्विटर की चिड़िया है, ना तो एंटरटेनमेंट है, ना तो एंजॉयमेंट है, ना तो पावर है, ना तो शावर है, ना तो डॉलर है, ना तो कॉलर है, ना तो आजकल के फ्रेंड्स हैं, ना तो आजकल के ट्रेंड्स हैं, ना तो ऐशो आराम है, और ना ही सुख सुविधाओं का कोई नाम है। मात्र और मात्र कष्टों का काम है, मात्र और मात्र कष्टों का नाम है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मंच से गारंटी के साथ कह सकता हूं, 365 डेज 24 आवर्स जिन शासन के किसी भी उपाश्रय में विराजे हुए किसी भी फिरके के किसी भी समुदाय के किसी भी साधु या साध्वी जी भगवंत को जो दीवार के सम्मुख मुख रख करके बैठे हैं, उनको देखना, उनके मस्तक पर आपको चिंता की एक भी रेखा दिखाई नहीं देगी। ये मेरा जिन शासन है, और उस उपाश्रय के अंदर ये कल प्रवेश करने के लिए जा रही है। आज जहां संसार में हम स्टेटस सिंबल को बढ़ाने के पीछे अहंकार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की आड़ में हम लोभ कर रहे हैं, सासू मां कहती है कि मैं बहू को बोलूंगी नहीं तो वो समझेगी कैसे, और बहू बोलती है कि मेरी गलती नहीं तो मैं सुनूं क्यों, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम क्रोध कर रहे हैं। बेटा पापा से कहता है कि पापा आज के टाइम में बिजनेस चलाना हो ना तो होशियार तो बनना ही पड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम माया कर रहे हैं। कल से संयम में आपको जीतना क्रोध लोभ माया और मान है। संयम लोहे के चने चबाने जैसा है, ये कहां आसान है। संयम तलवार की धार सा है, इस पर चलना कोई खेल नहीं, और हीना बेन और रिया बेन जो करने जा रहे सच में उसका कोई मेल नहीं, उसका कोई मेल नहीं। बस आज विदाई समारोह के अंतर्गत हमारे आशीर्वाद कि कल सुबह आप जब अपने जीवन का नया लेख लिखने के लिए जा रहे हो, उस क्षण में यहां बैठे हरेक व्यक्ति के हृदय की शुभेच्छा, आज जितना उल्लास है, आज जितना आनंद है, कल सुबह की जो अद्भुत प्रतीक्षा है, आपका उल्लास, आपका सत्व और आपके अंतर के परिणाम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। 5 साल बाद 7 साल बाद साध्वी के वेश में हम जब भी आपको देखें, तब हृदय से निकल पड़े बाह्य अभ्यंतर तपोजमाल, ते मुनिवंदु गुणमणिमाल, ते मुनिवंदु गुणमणिमाल, ते मुनिवंदु गुणमणिमाल। अरे साचा सुख ने सोधू छू मने मार्ग कोण दिखाड़े, आंगड़ी मारी पकड़ी मुझने मुक्ति पंथ बतावे, सदगुरु नो संग एक साचो लगे रे, सदगुरु नो संग एक साचो लगे, संसारी नो संगकार हारो लगे रे, संसारी नो संगकार हारो लगे रे, धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, रजो हरण मन मारू लो भायो, रजो हरण मेल भवानी हवे मन मारू लो भायो, गुरु
संसारी नो संसारी नो संग खारो खारो लागे रे इधर नो वेश प्यारो प्यारो लागे रे कितनों को वृत्तिधर का वेश प्यारा लगता है, कितनों को साधु साध्वी भगवंतों का यह वेश प्यारा लगता है। हाजी जब तक जुड़ेंगे नहीं ना तब तक आनंद नहीं होगा। वन साइडेड बैटिंग करके दौड़ूंगा ना तो रन आउट हो जाऊंगा, आगे वाले को भी दौड़ना पड़ेगा तब एक रन पूरा होगा। कितनों को यह श्रमण वेश अच्छा लगता है, सभी को एक बार मेरे साथ कहना है ते श्रमण वेश नो जय जयकार। आपको क्या कहना है? जय जयकार कहेंगे, जुड़ेंगे साथ में। हाँ जी वहां से ज्यादा आवाज आएगी कि यहां से आवाज आएगी देखना है। ते श्रमण वेश नो यहां देखो अभी ते श्रमण वेश नो इक्वल है ते श्रमण वेश नो वाह ते श्रमण वेश नो यहां ज्यादा आ रही है ते श्रमण वेश नो ते श्रमण वेश नो। हमेशा कहता हूं स्टेज पर भी एक भी जेंट्स मुमुक्षु नहीं है, ये नारी सब पे भारी है, ये नारी सब पे भारी है। इसीलिए पुरुष कल भी आभारी थे आज भी आभारी है। लेकिन एक साथ कहना है जब जब भी आए ते श्रमण वेश नो तो आप सबकी आवाज निकलनी चाहिए जय जय का। आज शायद आपके कपड़े 500 के हो 5000 के हो, यहां बैठे हैं शायद 50,000 के हो, लेकिन कल जो वेश ये लेने जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी? 500 5000 50,000 5,00,000 उसकी कीमत कितनी? वो तभी मिलेगा जब आप पूरे संसार का त्याग करके तो वो वेश मिलता। जगत के अंदर कितने वेश ऐसे हैं जिसको देख करके आपके हृदय में शुभ भाव आए, जगत में कितने ही वेश ऐसे हैं जिसको देख करके आपके हृदय में दुर्भाव आए, जगत में कितने ही वेश ऐसे हैं जिसको देखने पर आपको समभाव आए, और जगत में कितने ही वेश ऐसे जिनको देख करके आपको अभाव आए। लेकिन जगत के अंदर मात्र एक वेश ऐसा है जिसको देख करके हमेशा आपको अहोभाव आए। ते श्रमण वेश नो ते श्रमण वेश नो। कल सुबह ये मात्र वेश परिवर्तन की कोई साधारण घटना नहीं है, लेकिन वेश परिवर्तन के साथ साथ में ये दोनों के पूरे व्यक्तित्व के परिवर्तन की एक असाधारण घटना है। आज तक हम जो भी रेगुलर ड्रेस पहन के जाए ना, आप 30,000 की साड़ी पहन करके भी जाओ ना तो कभी स्टेज पर बुला करके बिठाते नहीं हमको नीचे ही, लेकिन 500 रुपए के छोल पट्टे पहन करके भी साध्वी जी भगवंत पधारे हो ना तो नीचे बैठे के ऊपर बैठे। आजी इस वेश को धारण करने वाले को हर प्रसंग में अग्रिम स्थान मिलता है, यह वेश को धारण करने वाले को हर प्रसंग में ऊंचा स्थान मिलता है, यह वेश को धारण करने वाले को गामो गाम में अनुमोदना का स्थान मिलता है, यह वेश को धारण करने वाले को हर समाज में वंदनीय स्थान मिलता है। वो वेश कल मुमुक्षु ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए मेरे साथ में कहना ते श्रमण वेशनो यहां से आ रही है ते श्रमण वेशनो। वो वेश जो गुरु गौतम स्वामी जी ने ग्रहण किया, वो वेश जो सुधर्मा स्वामी जी ने ग्रहण किया, वो वेश जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने ग्रहण किया, वो वेश जो आचार्य हरिभद्राचार्य जी ने ग्रहण किया, वो वेश मुमुक्षु आपको कल मिलने के लिए जा रहा है। इसीलिए कहना ते श्रमण वेशनो। देवोपण साधु जीवाननो जय जयकार करे जय जयकार करे कार करे जय जयकार करे। जेना पावन मगला धरती सपकार करे ए वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे। के ना पावन पगला धरती तपकार करे ए वीर
प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे देवो पण साधु जीवन नो जय जय तार करे ओ जय जय तार करे जय जय तार करे ओ जय जय तार करे दीक्षा लईने अणगारा अणगारा रे अणगारा दीक्षा लईने अणगारा अणगारा रे अणगारा दीक्षा माटे घर घर मा फरनारा के फरनारा मड़शी तो संयम पृथ्वी ओ मड़शी तो संयम पृथ्वी ना मड़शी तो माने तपनी वृद्धि सन्मान अने अपमान भूली सहनो स्वीकार करे ए राग बिना ने द्वेष बिना सहनो स्वीकार करे देवो पण साधु जीवन नो जय जय कर करे ओ जय जय कर करे जय 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 कर करे ओ जय जय कर करे जे ना पावन पगला धरती दबकार करे ए वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे साधु नाम दर्शनम पुण्यम साधु नाम दर्शनम पुण्यम साधु नाम दर्शनम पुण्यम देवो पण साधु जीवन नो जय जय कार करे ओ जय जय कार करे ते परम धर्म निवर्तन 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 ते परम धर
देना संसार।